हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है जिसमें क्लास नंबर 24 है आज, और इसमें हम लोग प्रोनाउन चैप्टर देख रहे थे। इससे पहले नाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा लर्नर्स फेलो का ज्वाइन करके और इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। ये जूम ऐप पे ये क्लासेज चलती हैं जिसका लिंक आपको 9:45 पे प्रोवाइड करा दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी व्याकरण, एडियम फ्रेज और ढेर सारे वहां पे प्लेलिस्ट बने हैं, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए अमन जी, आपका ये पहला अटेम्प्ट 2023 होगा या आप दे चुके हैं इससे पहले पेपर? नहीं, मैं बताया था ना कि मैं धनबाद से हूँ, तो मतलब मेरा इस बार मतलब अच्छे से तैयारी करने के बाद ये थर्ड पहला अटेम्प्ट है। वैसे थर्ड अटेम्प्ट रहा ओके 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 है। इस बार मेरे प्री में अच्छे नंबर थे, सेकंड में ईस्टर्न जोन के कारण शायद उन्होंने चेक अच्छे से नहीं किया, पता नहीं, तो बहुत कम मार्क्स है, तो इसीलिए चलिए कोई बात सिलेक्शन नहीं, नहीं। इस बार जरूर होगा, भगवान चाहेंगे जरूर होगा। और दूसरी पहली बात जो आपने कहा बताया था, तो वैसे दिक्कत क्या होती है ना मेरे साथ, कि मेरे साथ बहुत हाँ लोग हाँ मैं बताते समझ रहा हैं हूँ, क्योंकि आप हाँ बहुत लोगों से कनेक्टेड हैं, हाँ तो हाँ तो ये इसलिए याद ध्यान नहीं रहता, वो रखना। हो जाता है, हॉचपॉच मिक्स हो जाता है किसने क्या कहा था। हाँ, ये समझ सकते हैं, समझ सकते हैं सर। चलिए ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों सबको ना सूरज जी? जी भैया, ये शायद हो गया था कहाँ, हाँ ये देख तो एक बार ये कंफर्म हो जाइए फिर से। ये कल मैं बता चुका था वैसे, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई वी यू वी शी इट दे, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई आवर योर हिज ये सब, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन आवर्स इस तरीके से ये सब था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कल हमने चर्चा किया था विस्तार से इस पे। ये सारा कुछ हो चुका था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने, रोल टू भी कर लिया था। अच्छा हमने एक चीज और देखा था ना कि दिस जो है आपका नाउन से पहले प्रयोग हो सकता है, लेकिन इट जो है वो नाउन के साथ प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। और इसका प्रयोग देख रहे थे पॉजिटिव प्रोनाउन का, कि ये आपके सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है ना, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज जी होता है, ठीक। जी उसके बाद आपका ये रूल फोर भी हो गया था, रूल फाइव, हाँ ये ये भी सब रूल फाइव भी हो गया था। योर सेपरेशन की जगह क्या रूल टू होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू, चर्चा किया था हमने कल इस पे, सेपरेशन। ये वाला, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, ये गलत है, इसमें क्या होना चाहिए, सेपरेशन फ्रॉम यू, ठीक है। और कुछ वर्ड थे जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, इनके साथ क्या होता है, पॉजिटिव केस का ही प्रयोग होता है, ठीक है। गलत अच्छा सॉरी, हाँ प्रयोग इनके साथ गलत है, पॉजिटिव केस का गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका साइट वर्ड यहां पे आ गया, इसमें पॉजिटिव केस का गलत हो जाएगा। रूल सिक्स, हाँ इट्स वाला देख ही चुके थे कि ये इट्स और उस इट्स में अंतर मैंने बताया था कल एग्जाम्पल के थ्रू, देखा था आपने। जैसे यहां भी देखिए, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, तो यहाँ पे इट्स नहीं है, ये इट इज है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स, यहाँ पे ये ना हो के बिना एपोस्ट्रॉफी वाला होगा, ठीक है। यहां से हमें देखना है आज रूल नंबर 7, जरंड क्या होता है, कोई बताए, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी का वर्ब प्रयोग के फॉर्म में होता आईएनजी लगा देते हैं है। भैया, जीरेंड वर्ब के साथ, एज ए सब्जेक्ट भी वर्क करता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब्जेक्ट के तौर पे जैसे यूज होगा, तो एक एग्जांपल बताइए। हेल्पिंग इज गुड नेचर, वॉकिंग इज बेस्ट फॉर हेल्थ, या वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। और ऑब्जेक्ट अगर यूज करें इसको जरंड को, तो कैसे करेंगे, वैसे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाता है, जैसे डेवलपिंग कंट्री, यही उस तरीके सेकंड से। वाला ही देख लिया है, वॉज कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फिडेंट हाँ ऑफ माई विनिंग द मैच, ठीक है, चलिए आप एज ए देखिए, ऑब्जेक्ट ही यूज। ठीक है, ये जेरेंड का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ आपका आईएनजी होना चाहिए,
जेरंड के पहले अब क्या होगा, पॉजिटिव एग्जेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है, अगर जहां पे आईएनजी वाला है उससे पहले आपको पॉजिटिव एग्जेक्टिव का प्रयोग करना है, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन का, ठीक है। जैसे देखेंगे आप, जी आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, इसको हिंदी में करेंगे क्या लिखेंगे बताइए, ट्रांसलेट करिए। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट है, अस्वस्थ कह विश्वास, सकते हैं, अस्वस्थ। कॉन्फिडेंट, विश्वास, मैं आश्वस्त मैं था, जीतने के लिए, मैं इस मैच को जीतने के लिए आश्वस्त था, मैं इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच तो होगा ही नहीं। मैं मेरे भाई मैच को जीतने के लिए अस्वस्थ था, हाँ, मैं मैच जीतने ऑफ माय मीनिंग, मेरे हाँ, जीतने के लिए, मैं अपनी जीत मेरे मैच में मैं अपनी जीत के लिए अस्वस्थ था, ठीक है। चलिए, जी। यहाँ पे देखिए क्या है, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग, ये आपका विनिंग क्या है, जेरंड है। इससे पहले क्या आया, माई आया, माई जो कि पॉजिटिव एग्जेक्टिव पॉजिटिव है। अच्छा, माई का आपका पॉजिटिव प्रोनाउन में कैसे प्रयोग होता है, माइंड माइंड ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जेक्टिव का यूज करना है, पॉजिटिव एग्जेक्टिव का, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन का, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, माई सी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे डूइंग क्या है आपका, एक मिनट, ये यहाँ पे एक जीरेंड मिनट है, फिर से उसका ट्रांसलेशन बोलिएगा ऊपर वाले का, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, मैं अपनी क्या कह सकते हैं जीत के इसको, लिए हाँ, मैं मैच में अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित था, इसी तरीके से होना चाहिए, क्या होगा, वही और नहीं, इस अस्वस्थ, कॉन्फिडेंट, अस्वस्थ को लेकर, आत्मविश्वास होता है ना, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, अस्वस्थ अस्वस्थ भी कह सकते हैं, हाँ, भी कह सकते हैं, सुनिश्चित, मतलब निश्चित के मतलब तौर पे वो आएगा, भी एक वर्ड के कई निश्चित मायने हो सकते हैं, आप भी, किसी भी तरीके विश्वास से, कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है बेटी, ओके, अगला देखिए, सी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग, तो यहां डूइंग से पहले क्या आ गया, हर, और यहीं पे आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा, हर का, हॉर्स, हर्स, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है कि आईएनजी वाले से पहले आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। रुखसार ओके, जी, क्लियर हो रहा है आपको, रुखसार जी जुड़ी हैं कि नहीं आज के क्लास में, जुड़ी तो थी, नहीं है सर। चलिए अगला देखिए, यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमने प्रोनाउन के वहां पे देखे थे ना, अलग अलग पार्ट, जी मतलब ये प्रकार था ना आपका, क्या क्या प्रकार था उसमें, इसमें एक था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, निजवाचक सर्वनाम जिसको कहते थे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, इसको याद करने की जरूरत नहीं थी, मैंने ये भी बताया था कि आप बस समझते चलिएगा, कुछ खास ऐसे आपसे नाम नहीं पूछेगा एग्जाम में। जब वाक्य में स्वयं, खुद ही, खुद को, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। जब होता है ना कि मैं खुद ही चलो जाऊंगा, मैं स्वयं ये काम कर लूंगा, इस तरीके से जी जो होता है, जब स्वयं वर्ड हो, खुद ही हो, खुद को हो, अपने आप हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जैसे देखिए, द पुअर मैन पॉइजंड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रेन, यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, हिमसेल्फ, ये वाला, यहां, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, यानी है ना, खुद को, हिमसेल्फ का मतलब क्या हुआ, खुद को, द पुअर मैन पॉइजंड हिमसेल्फ, यानी कि गरीब आदमी ने खुद को भी खुद को भी और और अपने बच्चों को अपने भी जहर दिया, बच्चों को जहर जहर दिया, दिया, अपने बच्चों को भी जहर जहर दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिमसेल्फ हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज हो गया, तो या जब भी दिया। वाक्य में स्वयं, खुद, या खुद को, या अपने आप वाला जो सेंस आएगा उसमें रिफ्लेक्सिव, इसका रूल देख दिया। एक्विट क्या होता है, प्रशंसाजनक व्यवहार करना, ठीक है, ये वर्ड्स ध्यान रखेंगे, अवेल, लाभ उठाना, नहीं कहते हैं क्विट कि अवेल दिस ऑफर, अभी लाइव उठाना, हाँ, इनलिमिटेड टाइम, ठीक है, इस
टू अवेल दिस ऑफर कॉल ऑन दिस नंबर, इस तरीके से कहते हैं। अच्छा, रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है? बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना, मन नहीं है आपका लेकिन फिर भी आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं, रिकॉन्साइल। अम्यूज, अम्यूजमेंट अम्यूज कहते हैं मनोरंजन करना, अम्यूज। रिजाइन, रिजाइन का मतलब अम्यूज होता है हथियार हथियार डाल डाल देना देना, या मनोरंजन फिर, एंटरटेनमेंट भी कहेंगे ना हाँ हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, हथियार डाल देना, बेमन से ही स्वीकार कर लेना। रिजाइन का मतलब एक ये भी भैया होता है त्याग ना, ये करना, त्याग त्याग पत्र, त्याग पत्र देना। त्याग पत्र, त्याग दे देना, देखिए, रिजाइन, एवेंज, बदला लेना। बदला लेना और है, एक और रिवेंज, वर्ड है एवेंज, रिवेंज भी है, रिवेंज भी है, रिवेंज, प्रतिशोध हो जाएगा। एवेंजर से एवेंज, हाँ ठीक है, रिवेंज। रेवेंजर मतलब बदला लेने वाला हो जाएगा। ठीक अच्छा है, आर लगा दिए तो जैसे ड्राइव से ड्राइवर बन गया। चलिए देखिए, ठीक, एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब क्या है? काफी मेहनत करना। काफी ठीक है, अप्लाई, अप्लाई करना मतलब किसी चीज को लागू करना या ध्यान लगाना, कह रहे हैं। लागू करना, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है ढालना किसी भी परिस्थिति में आप खुद को। ढालना, और एक साइंस स्वीकार में बायोलॉजी में पढ़ाता एक टर्म था करना, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, जैसे एडेप्टेशन का। पोलर बियर वगैरह सब क्या होता है वहां पे, एडेप्टेशन उसी को कहते हैं कि अपने आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अपने ढालना, एडजस्ट जी करना। अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, एडजस्ट, एडजस्ट भी वही हुआ आपका, एक तरह सामंजस्य, सामंजस्य कहेंगे इसको। प्राइड, गर्व। गर्व, एब्सेंट, अनुपस्थित, अनुपस्थित। अनुपस्थित, एंजॉय मतलब क्या कहेंगे इसको, आनंद, आनंद, आनंद लेना। हाँ, के बाद मनोरंजन, रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करें, यानी ये जो भी वर्ड थे, एक्विट, अवेल, रिकॉन्साइल, एम्यूज, रिजाइन, ठीक है, एवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होगा। जैसे द ऑफिसर्स एक्विटेड देम सेल्फ्स, ऑफिसर्स के लिए क्या आया, देम सेल्फ्स, यानी वो खुद को, क्राइसिस, हाँ, एक्विटेड देम सेल्फ्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस क्या होता है हिंदी में बताइए इसका, मतलब होता विपदा। विपदा, मुसीबत, आपदा, आपदा तो क्राइसिस, आपदा, आपदा के लिए क्या होगा? ये है अरे भीषण आपदा, आपदा के लिए कोई एक वर्ड है, ध्यान नहीं आ रहा क्या तो था, वो डिजास्टर, क्या होगा, बोलिए मुकेश जी। डिजास्टर, हाँ डिजास्टर, डिजास्टर ठीक है, मैनेजमेंट, हाँ, मैनेजमेंट तो फिर हो गया प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर प्रबंधन मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट, हाँ सी हैज रिकॉन्साइल्ड हर सेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। लास्ट में लगा है, लास्ट पास हाँ, तो किसी के साथ इसे मेन वर्ड नहीं है ना, जी, तो रिकॉन्साइल्ड हर सेल्फ, यानी देखिए वर्ड आया रिकॉन्साइल, हमें इस पे ध्यान देना है, रिकॉन्साइल वर्ड है तो हमने किसका प्रयोग किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। एक्विटेड जहां पे है देम सेल्फ, जी यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जी द स्टूडेंट्स एक्सर्ट देम सेल्फ अलॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी बच्चे जो है परीक्षा के समय काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू दिस टास्क होल हार्टेडली। होल हार्टेडली मतलब क्या है, पूरे मन से। पूरे मन से, पूरे मन से आई प्राइड माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने पे गर्व करता हूँ, कुछ ऑन ऑन बींग एबल टू बढ़िया वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू, मतलब क्या कहते हैं, जब दबाव में दबाव में भी, जी, हाँ, मैं अपने आप पे क्या दबाव कहता हूँ, गर्व करता हूँ कि बहुत मैं आसानी दबाव में भी काम अच्छे से करता हूँ, से, आसानी से। आसानी ठीक, से कर यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस ले, काम अपॉर्चुनिटी, कह सकते हैं ना इसको, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का कर ले, लाभ, यानी तुम्हें तुम्हें इस इसका मौके का लाभ लाभ उठाना उठाना चाहिए, चाहिए। उठाना यू चाहिए, शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बहती गंगा तो ये सब वर्ड के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, आपको यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट में ये ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को देखें, देख रहे हैं, दे इंजॉयड द पार्टी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे था ना एंजॉय, कहा जी, था ना कि प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। दे इंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन, देमसेल्फ का प्रयोग इंजॉयड के बाद करें, यहाँ पे जरूरत है, कह रहा है। अब समझिए क्यों कह रहा है ऐसा, दो कंडीशन आया, एक जगह इंजॉय के साथ आपको रिफ्लेक्सिव इंजॉयड प्रोनाउन नहीं करना जी, है, और दूसरे में कह रहा है कि
किसी वैकेशन के दौरान उन्होंने एंजॉय किया, तो इसमें प्रयोग कर रहा है कि देम सेल्फ का प्रयोग कीजिए। क्यों? देम सेल्फ क्या है? देम सेल्फ का प्लूरल है ना, एस सी एल एफ, सेल्फ देम सेल्फ का देम सेल्फ हो जाता है ना। प्लूरल है, प्लूरल है। हाँ, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, बात समझिए, यहाँ पे वैकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर एंजॉयड के बाद, एक मिनट, जी एंजॉय के बाद उल्लेख हो तो, एक मिनट, यहाँ पे पार्टी ये है, तो अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन न लगाएं यहाँ पे, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पे, आई एंजॉयड द पार्टी, मैंने किसको एंजॉय किया, पार्टी पार्टी को, को एंजॉय पार्टी को। किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पार्टी है। आई एंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पे हमें क्या लगाना है, नहीं लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। जी ओ, उल्टा हो गया क्या, एक मिनट, जी याद उल्टा करना उल्टा उल्टा पड़ेगा। उल्टा 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 उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना है, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो वहां पे हमें लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे हमें क्या करना है, लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस वर्ड को देमसेल्फ ऐड करिए, क्या होगा, दे एंजॉयड ड्यूरिंग देमसेल्फ वेकेशन। नहीं गलत हो गया, ये दे एंजॉयड इसके पहले लगना देमसेल्फ, चाहिए, दे डेमसेल्फ एंजॉयड होगा देमसेल्फ ड्यूरिंग द वेकेशन। ड्यूरिंग द वेकेशन। ठीक है भैया, उसमें सर ऊपर वाले में पहले लगा था, हमें लग रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें बाद में लग रहा है। देखिए ना, यहाँ पे देखिए इसमें डेमसेल्फ के पहले एक्वेटेड एक्सर्ट है, है। एक्वेटेड वर्ब है, वर्ब के बाद हम लगा रहे हैं, जी वही यहाँ पे आप पढ़िए ना, दे डेमसेल्फ एंजॉयड देमसेल्फ्स, ठीक है। ड्यूरिंग द वेकेशन। ठीक है हाँ बच्चे, भैया, हाँ हाँ सही है सही है। तो ठीक है, ये लिखाओ फिर स्क्रीन फिर धोखा दे कोई आज धोखा दे गई। बात नहीं, चलिए स्क्रीन है ना, स्क्रॉल करना पड़ेगा क्या, ठीक है बताइएगा, कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है, कुछ देर बाद ये पहला मीटिंग खत्म ही हो जाता है, वो सही हो जाएगा। अगला है, ये हो गया, कौन सा रूल था, पहला वाला था ना, हाँ, और भी उसके जी नीचे दिया है ना भैया आपका, कितने जी। नहीं पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है ना, भैया, अभी तो इसमें ही, हाँ, 6 पॉइंट्स ये हो गया था, इसके नीचे जॉय वाला भी हो गया था, वेट वेट इसके वेट नीचे आया भैया, ही वाज अब्सेंट। अच्छा, इसमें लगता है ये बुक में कुछ और दिया है, हाँ यहाँ है, सही तो है, ठीक तो है, नीचे देखिए वाक्य को देखें, ही वॉज एबसेंट है और ही एबसेंटेड हिमसेल्फ, ठीक है, बहुत नीचे स्क्रॉल हो गया सर। ज्यादा हो गया क्या, ठीक है कि ऊपर करें, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर है अच्छा आ गया, यहाँ आ गया, और नीचे हो गया ठीक है, और भी। हाँ ये वाला है, ही वाज एब्सेंट, क्या है, ही वॉज बस ऑब्सेंट, ये सेंटेंस है कि नहीं है, है। और ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, अब समझिए, अगर एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो, बात समझ रहे हैं, अगर एब्सेंट, एब्सेंट का अनुपस्थित मतलब क्या होता है, अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित अनु, तो अगर एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं नहीं करना है। करना है। जैसे सेकंड कि वाले आप में देखिए, पहला सेकंड पहला वाला वाले देखिए, पहला वाला देखिए, ही वॉज ऑब्सेंट, वह अनुपस्थित था, ठीक है, था ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट अनुपस्थित क्या है आपका, ये वर्ब नहीं होगा, के लूप में, ये ऑब्जेक्ट के लूप में लगा है यहाँ हाँ, पे। लेकिन सेकंड वाले में देखिए, उसने अपने हाँ आप को एब्सेंट अनुपस्थित लगा किया, या वह अनुपस्थित रहा, है ना, ही है एब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंटेड मतलब एब्सेंट करना, अनुपस्थित बराबर। रहना, होना, तो जब वर्ब के तरीके से यानी वर्ब के फॉर्म में आपका यूज होगा एब्सेंट वर्ब, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, बात समझ में आ रही है, जी चलिए आगे बढ़े, रूल टू पे जी बताइएगा, रोकना होगा तो फिर दिख ये नहीं लर्न रहा, करने वाला पोर्शन है बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो तो एक बार जरा देखना जरूरी है, लेकिन लर्न है तो फिर वो तो पढ़ने से ही होगा, और जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सबसे ज्यादा आपको उस समय रिवीजन हो भैया जाता है। इसमें हाँ से जी ज्यादा मतलब लर्न, वो आता है प्रोनाउन से, ये कुछ लेंदी सा दिख लग रहा है रूल टू, दिख रहा है रहा है अलग से, क्यों, जी। और नीचे ऊपर करना, क्या करना है, रूल टू दिखा कि नहीं, रोल टू दिख रहा है,
कीप स्टॉप हाँ टर्न चलिए देखिए, क्वालिफाई। हाँ कीप वर्ड ध्यान दीजिएगा, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाद मूव रेस्ट हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अब यही चीज है ना, कंफ्यूजन होगा किसके साथ होता है नहीं होता है, तो कहे ना ये प्रैक्टिस से आएगा, इसको दबाव में आके ये टेंशन नहीं लेना है कि मुझे याद हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। वो कहता है ना कि पूर्व प्रधानमंत्री था पाकिस्तान वाला, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, वही चीज है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कौन कौन से वर्ड के साथ यूज नहीं होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए कीप स्टॉप टर्न स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाद मूव रेस्ट हाइड, इनके साथ प्रयोग नहीं होगा। जैसे यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, यहां पे क्या होगा, योर योरसेल्फ सेल्फ का हटाना प्रयोग होगा। नहीं होगा क्योंकि कीप के बाद आपको इसका प्रयोग नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका नहीं करना सेंटेंस, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड है। बॉयज। यू शुड ठीक है, कीप अगला ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, तो सीधा क्या हो जाएगा इसका, ही हाइड हाइड इन द हिमसेल्फ, रूम, इन सॉरी ही द हाइड इन द रूम। ठीक है, रूम अब वो छिपेगा तो खुद को ही छुपा रहा है। अगला देखिए रूल थर्ड, दिख रहा है